वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं और लॉजिक गेट का यूज़ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जो लॉजिक गेट है, डिजिटल डिवाइस है। दोस्तों डिजिटल डिवाइस है तो इसमें सर्किट भी होंगे। तो इनका जो सर्किट होता है वो डायोड और ट्रांजिस्टर और रजिस्टर से बना होता है, और ये डिवाइस जो है बूलियन फंक्शन के आधार पर काम करती है। लॉजिक गेट का जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है वो किसी लॉजिक के मदद से डिफाइन करता है। बूलियन बीजगणित एक लॉजिक प्रणाली है जो कि सामान्य बीजगणित और बाइनरी संख्या से भिन्न होती है। बूलियन प्रणाली में चर राशि की कुल दो अवस्थाएं होती हैं, इन्हें जीरो और वन से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें जो जीरो वन है, इनके अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। जैसे जीरो जो होता है उसे ओपन, लो या इनएक्टिव या अब्सेंट या नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, जबकि जो वन होता है वो हाई होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर क्लोज के लिए, या फिर एक्टिव के लिए, या फिर प्रेजेंट के लिए, ऑन के लिए यूज करते हैं। जो लॉजिक गेट होता है इसमें जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक ही होता है, जबकि इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं। जो हमारा लॉजिक गेट होता है वह हमारा तीन तरह का होता है, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, अर्थमेटिकल लॉजिक गेट। अगर हम बेसिक लॉजिक गेट की बात करें तो हमारा तीन तरह का होता है बेसिक लॉजिक गेट भी, हमारा एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। हमारा एंड गेट का ये सिंबल है, हमारा जो है और गेट का ये सिंबल है, और नॉट गेट का हमारा ये सिंबल है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये होता है दो तरह का हमारा। दोस्तों जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की मदद से बनता है। हाँ, जो नैंड और नॉर गेट होता है दोस्तों यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा बूलियन फंक्शन है इन दोनों की मदद से जितने भी फंक्शन हो सकते हैं वो सारे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक गेट की। तो दोस्तों हमारा अर्थमेटिक लॉजिक गेट है हमारा दो तरह का होता है, नॉर गेट एंड एक्सऑर गेट। जो अर्थमेटिक लॉजिक गेट होता है इसका यूज हम अर्थमेटिक फंक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं एंड गेट की और उसके थ्रू टेबल की। दोस्तों जो हमारा एंड गेट होता है इसमें दो इनपुट होते हैं, ए और बी, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसका एक आउटपुट होता है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो एंड गेट जो होता है इसका जो आउटपुट वैल्यू हाई कब होगी, जब इसके दोनों इनपुट हाई होंगे, क्योंकि हमारा जो एंड गेट है इसका ऑपरेशनल फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसा कि हमें मालूम जो लॉजिक गेट्स होते हैं या फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होते हैं उसमें हम केवल जीरो या वन लेते हैं। तो अगर हम जीरो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा, या फिर वन इंटू जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जीरो ही आएगा, या फिर जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जीरो ही आएगा। इसलिए अगर हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला इनपुट हम वन लेते हैं या फिर जीरो लेते हैं, तो जीरो जीरो का मल्टीप्लिकेशन हमारा जीरो हो जाएगा, वन जीरो का मल्टीप्लिकेशन हमारा जीरो हो जाएगा, और वन जीरो वन का मल्टीप्लिकेशन हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो वन वन होगा इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो वन आएगा। इसलिए हमारा जो इनपुट हाई कब होगा, जब हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे। अब हम बात करते हैं और गेट की। जो और गेट होता है इसमें भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे एक्स या वाई से हम डिनोट करते हैं इसका आउटपुट को। जो हमारा और गेट होता है ये हमारा जो इसका जो ऑपरेशनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है या फिर एडिशन होता है। तो जैसा कि हमें मालूम है हमारे जो इनपुट होते हैं वो जीरो या फिर वन होते हैं। अगर हम किसी भी उसमें जीरो या वन करें, वन प्लस जीरो करें या फिर वन जीरो प्लस वन करें तो वन आता है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हाई ही मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। जो नॉट गेट होता है हमारा इसमें इनपुट एक होता है और एक ही आउटपुट होता है। जो हमारा नॉट गेट होता है वो इनपुट को इन्वर्ट करता है या कम्प्लीमेंट कर देता है। जैसा कि अगर हम इसमें इनपुट वन देते हैं तो हमारा आउटपुट जीरो हो जाएगा, फिर जीरो आउट इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट वन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो नॉट गेट है वो इनपुट को इन्वर्ट करता है। अगर इसमें लो इनपुट देते तो हाई आउटपुट मिलता है, अगर हम हाई आउटपुट देते तो हमें लो इनपुट मिलता है। इसलिए इसको हम इन्वर्ट गेट भी कहते हैं। इनपुट के आधार पर इस गेट को यूनरी गेट भी कहते हैं। बाकी सारे जो गेट होते हैं उनको हम बाइनरी गेट कहते हैं। इसकी टेबल की बात करके, जैसे हमें मालूम है कि इसमें हमने इनपुट जीरो दिया है तो आउटपुट हमें वन मिलेगा, अगर हमने इसमें इनपुट वन दिया है तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा। हम बात करते हैं नैंड गेट की। जो हमारा नैंड गेट हमारा वो एंड गेट और नॉट गेट को मिला के बनता है, इसलिए उसका जो आउटपुट होता है वो हमारे एंड गेट से जस्ट अपोजिट होता है, जिसको हम टेबल में देखते हैं। जैसा कि हमारा जो ये है ये नैंड गेट है, और हमारा जो ये एंड के पीछे लगा हुआ ये एंड गेट है, आगे हमारा नैंड गेट लगा हुआ है। इसलिए हमारा जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसको उलट देता है या फिर उसको इन्वर्ट करके हमारा नैंड गेट हमें देता है। जैसा इन दोनों की टेबल मैच करें तो हमारा जो नैंड गेट की टेबल है वो जस्ट अपोजिट होगी हमारे एंड गेट की टेबल से। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम एंड गेट में जीरो जीरो देते हैं तो हमें जीरो मिलता है,
क्योंकि हमारा जो एंड गेट होता है उसका जो ऑपरेशनल फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर गुणक होता है। इसलिए अगर हम 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें 0 मिलता है, लेकिन अगर हम 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा नैंड गेट। अगर हम नैंड गेट में है इनपुट में एंड गेट पर 0 0 देते हैं तो हमें 0 मिलता है यहाँ पर, लेकिन हमारा आगे नॉट गेट लगा होता है तो नॉट गेट क्या करता है 0 को इन्वर्ट करके या फिर उलट के 1 कर देता है, इसलिए हमें आउटपुट 1 मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम 0 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 0 मिलता है, लेकिन आगे नॉट गेट लगा होने की वजह से उसको उलट के वो हमें 1 कर देता है। इसी तरह से हमारा जो नैंड गेट है हमारा एंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है। दोस्तों हम बात करते हैं नॉर गेट की। जो नॉर गेट होता है हमारा वो ऑर गेट और नॉट गेट को मिला के बनता है। जो हमारे ऑर गेट का आउटपुट होता है हमारे नॉट गेट का इनपुट होता है। इस तरह से जो हमारा गेट नया गेट मिलता है हमें वो क्या होता है नॉर गेट। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा ये जो है ये ऑर गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। इन दोनों को मिला के जो हमें गेट मिला उसे क्या कहते हैं हम नॉर गेट। अगर हम ऑर गेट और नॉर गेट की दोनों की टेबल को मैच करें तो ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट होती हैं। हमारा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं और गेट के टेबल की, और गेट के टेबल में अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलता है, जबकि हमारा जो नॉर गेट है इसमें अगर एक भी वैल्यू हाई है तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा या फिर लो मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सऑर गेट के। जो एक्सऑर गेट होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। ये दोस्तों एंड गेट नॉर गेट और गेट को मिला के बनता है। इसमें एंड गेट और नॉर गेट जो होता है इन दोनों के आउटपुट को हम और गेट के इनपुट पर देते हैं। इस तरह से जो हमारा जो टोटल आउटपुट होता है वो हमें और गेट के आउटपुट में मिलता है। इसमें दोस्तों अगर कोई भी इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, फिर कोई भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा, मगर अगर दोनों इनपुट हाई होंगे या दोनों इनपुट लो होंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा लो हो जाएगा। इसका यूज़ हम दोस्तों हाफ एडर फुल एडर या सबस्ट्रक्टर बनाने में करते हैं, या फिर हमारा जो डिजिटल परिपथ होते हैं या फिर डिजिटल सर्किट होते हैं उसके जो सिग्नल होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो हम बात करते हैं एक्स नॉर गेट की। जो हमारा एक्स नॉर गेट होता है हमारा एक्स और गेट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एक एंड गेट होता है, दो नॉर गेट होते हैं। एक एंड गेट और एक नॉर गेट का जो आउटपुट होता है हमारा दूसरे नॉर गेट के इनपुट पर देते हैं। इस तरह से जो हमारा आउटपुट मिलता है हमारा वो एक्स नॉर गेट होता है। जैसा कि अगर आप टेबल में देखें कि अगर हमारे दोनों इनपुट एक समान है तो हमारा आउटपुट हाई होगा, अगर दोनों इनपुट एक समान नहीं है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो लो होगा। जैसा कि अगर आप पहली टेबल की बात करें या फिर पहले रो की बात करें तो हमारा दोनों इनपुट 0 है इसलिए हमें आउटपुट हाई मिला। इसमें हमारा एक इनपुट लो है एक इनपुट हाई है तो हमारा इनपुट आउटपुट जो है हमें लो मिला। इस तरह से आप हम इसे याद रख सकते हैं हमारा जो एक्स नॉर गेट है जस्ट अपोजिट होता है हमारा एक्स और गेट का। और इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है अगर दोनों इनपुट हाई हैं या फिर दोनों इनपुट एक समान है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हाई होगा, दोनों इनपुट अगर एक समान नहीं है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो लो होगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो लॉजिक गेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।